कंटिन्यू द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड हम एक शब्द में कितने अक्षर जोड़ सकते हैं या अक्षरों के कितने अक्षरों के साथ हम एक शब्द बना सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अवर्ड में है वन और मोर देन वन लेटर्स एक शब्द में एक या उससे अधिक अक्षर हो सकते हैं जैसे वर्ड्स ऑफ वन लेटर एक अक्षर का शब्द ए आई टी सी मीन एक्सेट्रा एंड सो मेनी वर्ड्स वर्ड्स ऑफ टू लेटर्स एज एग्जाम्पल एन ऑन इट एड वी कैन राइट एन अदर वर्ड एज सो टू ओके एज लाइक And with words of three letters, words of three letters we can write as dog, cat, bat, pen, hat, etc., and words of four letters we can make words with four letters like kite, girl, book, goat, hen we can make another words also so write it on your copy as an homework you can make words with 2 3 4 5 with and 6 letters as as much as you can then words of five letters as example with apple zebra group etc and the words of six or more letters is father sister teacher indian school transport so many words okay etc so now we are turning to the exercise the exercise is first exercise is drop the first letter of every word and get a new word and write next to it इन दिस एक्सरसाइज दिस इज सेंग दैट हमें इन वर्ड्स के पहले अक्षर को ड्रॉप करके अदर वर्ड को लिखना है जैसे बी आर डबल ओ एम इफ यू इफ यू विल रिमूव द वर्ड बी देन यहाँ पे बचेगा हमारा आर डबल ओ एम ओके द अदर वर्ड इज हेयर में एच को रिमूव करेंगे तो बचेगा ईयर यहाँ पर एस हटेगा तो एच यू टी हट हट मीन्स झोपड़ी ओके जब यहाँ एच को रिमूव करेंगे तो ये बचेगा आर्म आर मींस भुजा एफ रिमूव हो के बनेगा आर ओ सी के रॉक रॉक मीन्स चट्टान एस रिमूव होगा टेबल टी ए बी एल ई टेबल ओके यहाँ पे होगा पेन यहां होगा एस को रिमूव करने पे पॉट सी हटेगा हमारा बचेगा हेयर देन इट विल बी हेयर लॉक हैट रेन टॉप एंड एंड ओके क्लियर एंड द अदर एक्सरसाइज इज राइट फोर सर्च वर्स वर्ड्स पेस्ट देअर पिक्चर्स टू ओके आप आपको ये एज एन होमवर्क आप किसी भी चार वर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं लिख सकते हैं जैसे पेन ओके काइट पॉट एंड हैट और यहाँ पे आपको इसका फिगर भी बनाना है तो जो बच्चे फिगर आठ इनका फिगर बना लेंगे वो यहाँ पे इसको ड्रा एक्सरसाइज का बुक में ड्रॉ कर सकते हैं सो नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स एज नाउंस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें यहाँ इनको वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है जैसे फर्स्ट इज राम इंडिया माधुरी ऋषि मोनिका विवेक हमें इन छः वर्ड्स में इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा स्टार्ट होता है ए से लेकर जेड तक तो हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करने के लिए हर नाम के पहले अक्षर को देखेंगे कि इनमें से हु इज़ कमिंग ऑन द फर्स्ट ओके कि अल्फाबेट में हमारा कौन सा लेटर पहले आता है जैसे आर आई एम आर एम वी हम ए से लेकर जेड तक काउंट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सो आई इज कमिंग फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया ओके सो so, टेस्टर्न नाउ आई के बाद जे के एल एम सो हियर एम इज वी गॉट एम एम इज़ नंबर थ्री एंड नंबर फाइव इन दिस कंडीशन जब हमारे पहले वर्ड दोनों कॉमन हो तो हम सेकेंड वर्ड काउंट करते हैं सेकेंड वर्ड को फिर से ए से काउंट करेंगे उनमें देखेंगे कौन सा हमारा पहले नंबर पे आता है सो so, यहाँ पे हमारा ए हमें यहाँ मिल गया नंबर थ्री ए हमारा पहला है तो यहां पे माधुरी नंबर सेकंड होगा एम ए डी एच यू आर आई ओके सो द नंबर हम माधुरी के बाद लिखेंगे मोनिका बिकॉज एम इज सेम एंड

on then rishi okay after ram and rishi we have only vivek so vivek will be in last so that's it that's it for today and on the tomorrow we will do the exercise of vowels consonant and e